के बीच लॉकडाउन का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह अनलॉक ने ले ली है। इसके तहत केंद्र और राज्यों की सरकार धीरे धीरे कई क्षेत्रों में छूट दे रही है। ऐसे जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने भी ऐतिहासिक बंदी के बाद यात्री ट्रेनें देश भर में शुरू कर दी है। इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का सख्ती से पालन कराने का फरमान है। इसके अलावा यात्रियों के लिए रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट के लिए कुछ नियमों में भी बदलाव किए हैं। नए आदेश के अनुसार टिकट बुकिंग के लिए हर यात्री को आरक्षण फॉर्म पर कुछ और जानकारी देनी अनिवार्य होगी। इसके बिना टिकट नहीं मिलेगा। इन जानकारियों में सफर के लिए आप कहाँ जा रहे हैं उसका पूरा पता देना होगा। सिर्फ शहर लिखने से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा उस जगह का संबंधित पिन कोड भी देना होगा। रेलवे ने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए यात्री के डेस्टिनेशन सहित अन्य जानकारियों को साझा करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप रिजर्वेशन फॉर्म पर ये जानकारियां नहीं देंगे तो टिकट बुकिंग नहीं होगा। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत इन जानकारियों के बाद ही आरक्षित टिकट बनकर मशीन से निकलेगा। दरअसल ये सभी जानकारियां इसलिए ली जा रही हैं ताकि ट्रेन में सफर कर चुके किसी यात्री या उसका सह यात्री अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके डेस्टिनेशन के पते पर उससे संपर्क किया जा सके। इसके लिए आरक्षण फॉर्म पर यात्री के डेस्टिनेशन का पता सहित अन्य जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले रेलवे आरक्षण के लिए यात्रियों को आरक्षण फॉर्म पर सिर्फ अपना आवासीय पता भरना पड़ता था। वो आवासीय पता भी जानकारी के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता था, लेकिन अब यात्रियों को पता के साथ साथ पोस्ट ऑफिस का पिन कोड देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।